कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 126 के बारे में, जो बताता है कि थर्ड पर्सन की डिफॉल्ट की वजह से कि प्रॉमिस को परफॉर्म करने के बारे में यह बताता है। तो इसे शुरू करते हैं। सेक्शन 126 बताता है तीन चीजों के बारे में, श्योरिटी के बारे में कि श्योरिटी कौन है, प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में। श्योरिटी वो व्यक्ति है जो गारंटी देता है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेबिटर की वजह से, डिफॉल्ट की वजह से, पर जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफॉल्ट हुआ उस पर कौन उस पर कंपनसेट करेगा, उसके बाद करेगा श्योरिटी। इसका मतलब है अगर प्रिंसिपल डेबिटर क्रेडिटर को पैसे वापस नहीं दे पाया या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डिफॉल्ट में आ गया, वो परफॉर्म नहीं कर पाया, प्रिंसिपल डेबिटर वो नहीं कर पाया, तो प्रिंसिपल डेबिटर की वजह से के बजाय कौन वहां पे पैसे देगा, श्योरिटी देगा। ठीक है, वो उसका जो लॉस है वो श्योरिटी भरेगा। तो ये सेम लग रहा है जो सेक्शन 124 में हमने पढ़ा था, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर वाला। तो उसमें जो थे दो पार्टीज थे, एक तो इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर, तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था। लेकिन ये जो सेक्शन है गारंटी वाला, इसमें तीन पार्टीज हैं, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेबिटर है और क्रेडिटर है। ठीक है, तीन पार्टीज हैं, ये बताता हमें सेक्शन 126। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं कि क्या है, एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं आगे। इसमें तीन चीजें हैं, पहला है श्योरिटी, दूसरा है क्रेडिटर और तीसरा प्रिंसिपल डेबिटर। तो श्योरिटी कौन है, श्योरिटी वो व्यक्ति है जो कि गारंटी देता है। ठीक है ना, गारंटी किसको देता है, क्रेडिटर को देता है। किस बात पर देता है कि प्रिंसिपल डेबिटर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसकी जगह पर कौन उसको भरपाई करेगा, श्योरिटी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है इन दोनों के बीच में है, प्रिंसिपल डेबिटर और क्रेडिटर के बीच में। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेबिटर के बीच में, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जो श्योरिटी की जो काम है इसका, ये सेकेंडरी है। वहां इंडेमनिटी में जो था, जो इंडेमनीफायर था, वही पैसे देता था, वही कंपनसेट करता था पहले ही। पर यहाँ पर जो है अगर प्रिंसिपल डेबिटर वो कर नहीं पाया तो उसके बाद किसकी बारी आएगी, श्योरिटी की बारी आएगी। ठीक है ना, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं कि ए एक व्यक्ति है जिसने लोन लिया है। किससे लोन लिया है उसने, उसने लिया है लोन बी से। ठीक है, बी एक बैंक है। ठीक है, बैंक से इसने लोन लिया है और अभी क्या है, इसने इससे प्रॉमिस किया कि वो लोन वापस करेगा ए ने, लेकिन ए वापस नहीं कर पाता है लोन। तो उस स्थिति में वही बैंक उनसे क्या मांगता है, जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक श्योरिटी मांगता है। तो वहां पे एक दूसरा व्यक्ति आता है जो कि गारंटर बनता है, श्योरिटी बनता है कि अगर ए वो परफॉर्म नहीं कर पाया, ए लोन वापस नहीं दे पाया, तो कौन लोन देगा, सी देगा। ठीक है ना, तो ये है श्योरिटी जो गारंटी देता है कि ए की बजाय अगर ए वो काम नहीं कर पाया, ए बैंक को लोन वापस नहीं दे पाया, तो सी देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो सी है वो श्योरिटी है और ये प्रिंसिपल डेबिटर और ये क्रेडिटर है। ठीक है ना, तो यही बताता है सेक्शन 126 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इसमें दो पॉइंट और ऐड करते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट में भी आइदर ओरल और रिटन। तो इंडिया में है कॉन्ट्रैक्ट ये ओरल भी है और रिटन में, इंग्लैंड से डिफरेंट है। तो और दूसरी बात है प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए। वहां पे एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि देखो इंडेमनीफायर से ये रिलेटेड केस है। इंडेमनी जो सेक्शन है इंडेमनिटी वाला 124 वाला, उससे डिफरेंस कैसे है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी गए शॉप पे। ठीक है, तो ए और बी शॉप पे गए, किसकी शॉप पे गए, सी शॉप पे गए। ठीक है, तो ए कहता है सी को कि तुम उसे गुड्स दे दो, बी को गुड्स दे दो, और अगर बी पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी ड्यूटी किसकी बनती है, बी की बनती है कि बी को पैसे देने हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल डेबिटर है यहाँ पे, और अगर बी नहीं दे पाया तो ए देगा। ठीक है ना, ए की जो ड्यूटी है वो सेकेंडरी है, दूसरे जगह पे है। लेकिन वही ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलते हैं गारंटी वाला। ठीक है ना, जो 126 में। अब इंडेमनिटी वाला कौन होता है, ए और बी गए शॉप पे, सी की शॉप पे गए। ठीक है ना,
तो ए बोलता है सी को कि तुम क्या दो, बी को गुड्स दो और पेमेंट जो है वो मैं दूंगा। ये वाला जो सिस्टम है इसमें बी को नहीं देना है, डायरेक्टली किसको देना है, ए को। तो ये है 124 जो है वन इंडेमनिटी। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। दूसरी बात ये कि इसमें तीन पार्टीज होती हैं और इंडेमनिटी में तो दो ही पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, ए और सी। तो ये डिफरेंस है इनमें। तो ये सेक्शन 126 था।